यामाहा कंपनी के जो स्कूटर्स होते हैं वो क्लासी, ट्रेंडिंग और फैशनेबल डिजाइनिंग की देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कलर भी काफी बढ़िया देखने को मिलती है। तो ऐसे में कंपनी ने 2023 मॉडल यामा फिलानो हाइब्रिड कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया है। इस नए मॉडल में आपको क्या देखने को मिल जाती है, इसके बारे में आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली इंजन मिल जाती है जो कि 125 सीसी इंजन के साथ ही आपको मिलेगी और इसमें पावर आपको 8.2 पीएस का और 10.3 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आपको काफी अच्छे कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। ये दो वेरिएंट नियो और लक्स दो वेरिएंट के साथ मिल जाती है जहाँ पे अलग अलग कलर और अलग अलग आपको फिनिश देखने को मिल जाती है। हालांकि इसको अभी इंडोनेशियन मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है और इसे कह सकते हैं कि यामाहा फसिनो का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है क्योंकि इसकी जो लुक डिजाइनिंग है यामाहा फसिनो जैसी ही है और यामाहा फसिनो में भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसमें भी 125 सीसी का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली इंजन मिल जाती है, लेकिन ये यामाहा फसिनो से अलग कैसे है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें आपको 27 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, काफी बड़ा स्पेस दिया गया है। तो इसमें बड़ा स्पेस कैसे मिल जाता है, क्योंकि इसकी जो फ्यूल फिलिंग है जैसे कि टीवीएस जुपिटर में आप देखते हैं फ्रंट में मिलता है, वैसे इसमें भी फ्रंट में फ्यूल फिलिंग दी गई है जहाँ से आप फ्यूल भरवा सकते हैं, इसलिए बूट स्पेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है, यानी कि आप रिमोट के जरिए कीलेस स्टार्ट भी कर सकते हैं जैसा आपने अभी होंडा एक्टिवा एच स्मार्ट में देखा है, लेकिन ये फीचर्स इसमें आपको पहले से मिलती है। तो इसके फ्रंट में आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है जहां से स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें 4.4 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। इसमें आपको फुल्ली एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा जहां पे टर्न इंडिकेटर लाइट भी एलईडी लगा हुआ है और टेले में भी आपको एलईडी मिल जाता है। इसके साथ इसमें हजार्ड लाइट भी दिया गया है। तो इसमें आपको टीएफटी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप डिजाइनिंग देखेंगे इसकी तो यामाहा फसिनो के मुकाबले में काफी अलग है क्योंकि यहाँ पे दो डिस्प्ले दिए गए हैं। एक डिस्प्ले में आपको स्पीड, फ्यूल ये सारी जानकारी देखने को मिल जाती है, दूसरे आपको जो मीटर मिल जाता है वहाँ पे कनेक्टेड फीचर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हैं नई डिजाइनिंग के साथ मिल जाती है और इसमें फ्रंट और रियर में आपको 110x70 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। इसमें भी आपको प्रीमियम सीट देखने को मिल जाती है और इसमें कलर काफी अच्छे अच्छे दिए गए हैं जिसकी वजह से काफी क्लासिक लुक देती है और इसके अलग लुक की वजह से ही इसे लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो इंडोनेशियन मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है जहां पे इसकी प्राइस न्यू वेरिएंट के साथ 27 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से लगभग 1.46 लाख रुपीस होती है। तो इसका जो लक्स वेरिएंट है 27.5 मिलियन जो कि लगभग 1.48 लाख रुपीस तक होती है। तो इंडियन मार्केट में जो यामाहा फसिनो बेची जाती है उसकी प्राइस 77,000 रुपीस से लेकर 89,000 रुपीस तक एक्स रूम प्राइस देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी या फिर नहीं लॉन्च होगी इसके बारे में बता दें तो फिलहाल इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाएगा क्योंकि सेम लुक के साथ यामाहा फसिनो इंडियन मार्केट में बेची जाती है, लेकिन जो इसके फीचर्स हैं, जो कनेक्टिविटी फीचर दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन आप देखने को मिल जाती है, इसके अलावा जो इसकी कीलेस एंट्री मिल जाती है, ये सारे फीचर्स यामाहा फसिनो में दिया जा सकता है क्योंकि इंडियन मार्केट में होंडा एक्टिवा में ऑलरेडी ये फीचर्स दे दिया गया है एच स्मार्ट का। तो ऐसे में कीलेस एंट्री का फीचर इसमें भी यामाहा फसिनो में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिर इतना ही जानकारी देना था। ये स्कूटर आपको लुक वाइज, फीचर्स वाइज कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये फीचर्स यामाहा फसिनो में भी कंपनी को देना चाहिए ये आप जरूर सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।